हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी यूजी सैम फिफ्थ एंड सैम थर्ड की एडमिशन्स की। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट कर दिया गया है। जो भी यहाँ पे एडमिशन आने हैं बीए बीएससी बीकॉम की, जनरल बीबीए बीसीए बीकॉम की, ठीक है, जितने भी यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज हैं, ठीक है, समर जोन एंड विंटर जोन जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनके जो थर्ड सेम एंड फिफ्थ सेम की यूजी की एडमिशन जो स्टार्ट होने जा रही है। तो सेमेस्टर फिफ्थ की हम बात करें, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएंगे और थर्ड सेम का भी बताएंगे और लेट फी कब तक है वो लगने वाली है आपको वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे 31/10/2022 से लेकर 19/11/2022 तक जो सेमेस्टर फिफ्थ की यहाँ पे एडमिशन होगी, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और 21/11/2022 से लेकर 30/11/2022 तक आपको ₹320 लेट फी लगने वाली है, ठीक है। तो सेमेस्टर थर्ड की बात करें तो 3/11/2022 से लेकर 22/11/2022 तक आपकी एडमिशन्स होगी, और सेमेस्टर थर्ड की यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाली है 23/11/2022 से लेकर 2/12/2022 तक आपको ₹320 लेट फी लगने वाली है, ठीक है। और ये भी बताया गया कि अगर आप 10 दिन के बाद यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, आपको ₹2910 जो है वो फ़ी पे करनी पड़ेगी लेट फी। और फ़ी क्या रहने वाली है वो आपको अपने कॉलेज में ही जाके पता चलेगी, वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट है, उसी के रिगार्डिंग आपकी जो फ़ी होगी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड सेम में एडमिशन लेंगे उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो कम से कम 50% क्रेडिट्स आने चाहिए। तो क्रेडिट्स क्या होते हैं आपको मैं बता दूं, आप अपना सिलेबस जो उठा के देखिएगा, वहाँ पे जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके 6 क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो आर्ट्स वाले होते हैं वो भी अपने जो सब्जेक्ट है उस पर देख सकते हैं कि क्रेडिट्स कितने। टोटल क्रेडिट्स आपके जो फिफ्थ सब्जेक्ट के काउंट करके सम करके जो जितने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल क्रेडिट्स 20, तो आपने अगर यहाँ पे 10 क्रेडिट्स आपके बनते हैं तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप 24 जैसे क्रेडिट्स होते हैं, जैसे जो एज़ पर प्रीवियस एजुकेशन रूल पॉलिसी जो पहली थी, ठीक है, 24 क्रेडिट्स जो होते थे मेडिकल के स्टूडेंट्स के होते थे, जैसे हम बॉटनी जोलॉजी की कम्बिनेशंस की बात करें या केमिस्ट्री की कम्बिनेशंस की बात करें तो, ठीक है, 6 क्रेडिट्स एक ही होते थे, ठीक है, और 18 हो गए। उसके बाद यहाँ पे ईवीएस होती थी, ठीक है, जिसके 2 क्रेडिट्स यहाँ पे होते थे, बाद में उसको चेंज कर दिया गया था, ठीक है, 4 क्रेडिट्स उसके कर दिए गए थे, ठीक है। तो 22 उसके बाद यहाँ पे बात करें तो एक आपका होता है जो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के हो गए 24, तो आपके कम से कम जो आप 2 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट पास होने चाहिए तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपके जो प्रैक्टिकल्स है वो पास होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपके जो 1 या 2 सब्जेक्ट पास होने, तो आपके मतलब 50% आपके क्रेडिट्स आने चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपके टोटल क्रेडिट्स कितने, उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एडमिशन होगी, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहने वाला है आपका जो थर्ड सेम का, ठीक है, जो थर्ड का जो आपके जो यहाँ पे सेकंड सेम का, आपको यहाँ पे इंटरनल पास होने चाहिए और इंटरनल आपने दिए हुए होने चाहिए तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फिफ्थ सेम वालों का सेम प्रोसेस, थर्ड सेम आपका 50% क्रेडिट्स होने चाहिए एंड आपके फोर्थ सेम के जो इंटरनल एग्जाम है वो हुए होने चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप तक शेयर करनी थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। बाय बाय, टेक केयर।